हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क एपिसोड। दिस इज मोहित। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे एंड मैंने बताया था कि जो हमारा माउथ होता है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, एक मैकेनिकल और दूसरी केमिकल। तो डाइजेशन जो होता है उसमें दो तरह के पार्टिसिपेशन होता है, पहला मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। और जो डाइजेशन है इज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी माउथ, हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। ठीक है, मैकेनिकल की हमने बात कर ली थी, हमने बात किया था वहाँ पर कितने टाइप के टीथ होते हैं। पहली वीडियो में बताया था मैंने कि इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर और मोलर, चार तरह के टीथ होते हैं। और जो फॉर्मूला होता है 2123 आपका एडल्ट के लिए और 2102 वो आपका बच्चों के लिए हो गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल एक्टिविटी जो माउथ में होती है उसके बारे में। ठीक है, सो द हेडिंग हमारी है केमिकल एक्टिविटी इन माउथ। माउथ में कौन कौन सी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा माउथ है उसमें होता है क्या। बेसिकली उसमें हमारा सलाइवा होता है। तो माउथ में हमारा क्या होता है, सलाइवा है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी। सलाइवा मतलब आप कह सकते हो एक तरह से जो लार होती है हमारी। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो बॉडी प्रोड्यूस करती है और पर डे हमारी जो बॉडी है वो 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करती है पर डे। ठीक है, और उसके बाद जो सलाइवा की पीएच होती है, अगर किसी को पीएच का मतलब नहीं पता तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कोई पीएच की रेंज क्या होती है, पीएच की एक रेंज होती है। रेंज मतलब होता है एक नंबर आता है इसका रेंज में। जैसे मान लीजिए ये होती है पहले 1 से लेके 6 तक। ठीक है, 1 2 ऐसे करते करते 6 तक आएगी, 7 आएगी और 7 के बाद फिर 8 और 9। अगर किसी भी सॉल्यूशन या किसी विलयन की जो पीएच है वो 7 है, 7 का मतलब वो उदासीन है, ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। 7 से कम है तो वो एसिडिक हो जाता है, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे, मान लीजिए जो एसिड होता है वो तीखा होता है, तीखा यानी कि पैना होता है, शार्प होता है। जितनी चीज़ को हम पतला करते जाएंगे उतना वो चीज़ शार्प होती जाएगी। इसका मतलब जितना हम नंबर कम करते जाएंगे वो चीज़ शार्प होती जाएगी। तो इसीलिए 7 से जितना भी नंबर कम जाएंगे तो ये जो होता है ये हमारा एसिडिक होता है, इसके नीचे का जो होता है वो हमारा बेसिक होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऊपर एसिडिक नीचे बेसिक। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में जितना भी जो भी लिक्विड आइटम है बॉडी के अंदर हमारे, वो मोस्ट ऑफ द आइटम जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक का नहीं होता। ठीक है, और मैंने कल बताया था कि आपका जो बॉडी में जो एसिड है वो HCl प्रोड्यूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी के अंदर है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। तो 1.5 लीटर हमारा जो बेसिकली जो बॉडी है हमारी वो 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी की जो सलाइवा की जो पीएच होती है वो 6.5 होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सलाइवा बेसिकली प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास कितनी तरह की होती है, देखें सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड लगी कहाँ है, सलाइवा मुंह में आता है तो सलाइवरी ग्लैंड भी आसपास ही लगी होंगी, पेट में तो लगी नहीं होंगी, यहाँ से कहीं पर लगी होंगी। तो तीन तरह की होती है। पहला है हमारा पैराटाइड ग्लैंड, जो पैराटाइड ग्लैंड है ये पहली सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो पैराटाइड ग्लैंड है ये हमारे चिक्स के पास होती है, यानी कि इस जगह पर होती है पैराटाइड ग्लैंड। ठीक है, पैराटाइड ग्लैंड यहाँ पर होती है। तो ये क्या होता है, नियर चिक होती है। ये बेसिकली पैराटाइड ग्लैंड करती क्या है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे हमारे मुंह में बचाती है, यानी कि जैसे हमारे मुंह में थूक रहता है, फिर और चीज़ें रहती हैं, खाना रहता है, तो उससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसको बचाती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन में हेल्प करती है। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन सपोज, तो होगा क्या, हमारा जो पैराटाइड ग्लैंड है फूल जाएगी, यानी कि ये चीज़ हमारा थोड़ा फूल जाएगा। ठीक है, और इसी बीमारी को कहते हैं हम लोग मम्स कहते हैं या पैराटाइटिस कहते हैं। बात समझिएगा, पहली ग्लैंड हमारी पैराटाइड ग्लैंड, ये चिक्स के पास होती है। अगर ये फूल गई, वायरल इन्फेक्शन इसमें हो गया तो स्वेलिंग आ जाएगी और इसी को मम्स या पैराटाइटिस कहते हैं। स्नेक्स यानी कि सांप में, स्नेक्स में जो पैराटाइड ग्लैंड होती है वो पॉइजन कंटेन करती है। स्नेक्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्नेक में जो सांप होते हैं उसमें जहर कहाँ पर होता है, तो सांप में जो जहर होता है वो पैराटाइड ग्लैंड में होता है। तो पैराटाइड ग्लैंड में, अगर पैराटाइड ग्लैंड में सांप की जहर होता है, इसीलिए पैराटाइड ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस ग्लैंड भी कहते हैं, यानी सॉरी पैराटाइड ग्लैंड को क्या कहते हैं, पॉइजनस ग्लैंड भी कहते हैं। स्नेक की पैराटाइड ग्लैंड को पॉइजनस ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये हमारे बिलो टंग के नीचे होता है, टंग के नीचे जो ग्लैंड है उसे पैराटाइड, उसे सब लिंगुअल कह दिया। सब मैंडिबुलर जो होता है वो नियर जॉ में होता है, यानी कि जॉ के आसपास होता है। ठीक है, जॉ का ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी की जो स्ट्रांगेस्ट मसल है वो जॉ है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो मसल है जॉ है। और पता होगा सबसे लंबी हमारी बोन कौन सी है, फीमर है। सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेपीज है, कान के अंदर 3 बोन होती है, उसमें से स्टेपीज जो है सबसे छोटी बोन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है,
अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो सलाइवा है इसके बारे में हमने बात किया, जो सलाइवा हमारे मुंह में होता है। सो बेसिकली सलाइवा में दो तरह के एंजाइम होते हैं, ठीक है। पहला जो एंजाइम होता है हमारा सलाइवा में, वो होता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा होता है माल्टेज, ठीक है। सो ध्यान रखने वाली क्या बात है, कहीं पर भी जैसे लिखा है सलाइवरी एमाइलेज, ये दो एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज और माल्टेज, कहीं पर भी एमाइलेज आ जाए, मतलब एम ई आ जाए, ध्यान रखिएगा ये ग्रुप है, रूट वर्ड है, कहीं पर भी एम ई आ जाए, एम ई का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। दूसरी बात, कहीं पर भी एज आ जाए तो उसका मतलब होता है क्या, एंजाइम। कहीं पर भी ए एस ई एज आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, एंजाइम। और कहीं पर भी एम ई आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर हो गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टमक है उसमें दो तरह का, उसमें जो सलाइवा है वो स्टमक में किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। सलाइवा हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और वो भी कहाँ पर, मुंह में, सॉरी पेट में नहीं, मुंह में। सलाइवा कहाँ पर है, सलाइवा भाई सलाइवा कहाँ पर होता है, सलाइवा हमारे माउथ में होता है। तो जो भी चीज़ें करेगा माउथ में करेगा, तो माउथ में हमारे ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि सलाइवा में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, पहले सलाइवरी एमाइलेज, और एमी का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और ये माल्टेज जो कि एंजाइम है। फिर बात करते हैं फूड और सलाइवा। जब हमारा जो, जैसे हमने खाना खाया, रोटी खाई, तो रोटी खाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही सलाइवा हमारे फूड के साथ मिलता है, ठीक है, हमारा जो लोदा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जो लोदा बन जाता है, यानी खाने का जो लोदा बन जाता है, जो वो मिक्स हो जाता है चीज़, उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, या बायो के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं बोलस, बी ओ एल ओ यू एस, बोलस। यानी कि माउथ में फूड और सलाइवा का जो मिक्सचर होता है उसे बोलस कहते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बोलस क्या है, तो बोलस क्या है, फूड और सलाइवा का जो मिक्सचर होता है उसे बोलस कहते हैं, जो कि माउथ में मिलता है। बट यही फूड जब हमारा फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो एसिड है वहाँ पर। तो वहाँ पर एसिड है, तो फूड और एसिड का मिक्सचर पेट के अंदर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कायम। आपने सुना होगा एक चूर्ण आता है, उसे होता है कायम चूर्ण, ठीक है, क्या आता है, कायम चूर्ण। जो कायम चूर्ण आता है तो उसको कायम कहा क्यों गया, क्योंकि बेसिकली वो क्या है, पेट में एसिडिटी को हेल्प करता है, एसिडिटी को खत्म करने में हेल्प करता है। बेसिकली जो कायम चूर्ण है वो एंटासाइड की तरह हेल्प करता है, क्या है वो, एंटासाइड्स है। एंटासाइड्स से क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटासाइड्स है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी आपका एंटासाइड है, ठीक है ना। फिर तो बेसिकली जो कायम चून है वो भी एसिड में हेल्प करता है, पेट में हेल्प करता है। तो फूड और एसिड का जो मिक्सचर होता है उसे कायम कहते हैं, जो कि स्टमक में मिलता है। बट फूड और सलाइवा का जो मिक्सचर होता है उसे बोलस कहते हैं, जो कि माउथ में मिलता है। स्टमक क्या होता है, बेसिकली स्टमक हमारा पेट, ठीक, पेट क्या है, वेयर हाउस है किसका, पेट जो है हमारा वेयर हाउस है। वेयर हाउस कहते हैं मतलब कि, वेयर हाउस का मतलब गोदाम कह सकते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस है किसका, बॉडी का। यहाँ पर जो खाना रहता है वो करीबन 4 घंटे तक का रहता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, जो हमारा स्टमक है, तो स्टमक में क्या होता है, बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टमक है, मैं थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना रहा, स्टमक है, स्टमक में पहले तो चीज़ अंदर इनर लाइनिंग होती है, इसमें एससीएल रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, छोटा छोटा स्पेस होता है यहाँ पर, ठीक है, ये स्टमक में नहीं रहेगा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज होती है, छोटी छोटी स्पेस बना होता है विलीज, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विली बोलते हैं, विली। विली क्या होती है, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा स्पेस होता है। ये करता क्या है, ये बेसिकली जो एरिया होता है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, या फिर जो भी एरिया है जहाँ पर खाना डाइजेस्ट होगा, उस एरिया को ये बढ़ाता रहता है और घटाता रहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जो विली है वो करता क्या है, तो विली जो है बेसिकली वो जो एरिया है जहाँ पर खाना फूड एब्जॉर्ब होगा उसको बढ़ाता है, घटाता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद की वीडियो में मैं बात करूँगा स्टमक के बारे में, कि स्टमक में कौन कौन से एसिड्स होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है प्रॉपर, और कौन कौन से एंजाइम मिक्स होते हैं उसमें, कितना टाइम लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।